आज की कहानी है बहू बनी बेटी। प्रतिमा अमन की शादी को अभी 2 ही साल हुए थे। प्रतिमा माँ बन गई। कम उम्र में बच्चे को संभालना उसने बड़े आराम से कर लिया, पर अगले 2 साल में प्रतिमा को एक और लड़का हुआ। घर में खर्चे बहुत ही बढ़ गए थे। अमन की प्राइवेट छोटी सी नौकरी थी जिससे सबका लालन पालन सब ठीक ठाक चल रहा था, पर आगे बच्चों के भविष्य को लेकर अमन प्रतिमा थोड़ी चिंतित में रहते थे। वह अपने बच्चों के अच्छी परवरिश देना चाहते थे। तभी कुछ दिनों बाद उनको दुबई की कंपनी में अच्छा ऑफर आया। वहां पर अमन का सिलेक्शन हो गया। सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा था, पर सबको दुबई ले जाने का खर्चा बहुत होता। अमन परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, इसलिए वह इस जॉब को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। प्रतिमा को पैसों की बहुत चाह थी, इसलिए उसने जबरन बहुत जोर दिया कि मैं यहाँ पे बच्चों को अच्छी तरह से पाल लूँगी और आप जाओ, समय समय पर बच्चों और मेरा खर्चा भेजते रहना। अमन मन मार कर चला गया। धीरे धीरे उनका मन दुबई में लग गया। बच्चे की परवरिश भी बहुत अच्छे से होने लगी। दोनों बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने लगे। अमन शुरू में तो 2 साल बाद आया और फिर आना बंद कर दिया। प्रतिमा को लगा कि उसने गलत तो नहीं किया अमन को दुबई भेजकर। अब अमन पैसे तो भेज देता, पर आने में आनाकानी करने लगा। धीमे धीमे वह बीवी बच्चों से मतलब रखना बंद कर दिया। अब उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बन गई थी। वहां की नागरिकता लेने के लिए उसने उस लड़की से शादी भी कर ली। अब तो वह घर आना जैसे मानो भूल ही गया था। प्रतिमा ने अपने बल पे बच्चों का लालन पालन करना शुरू कर दिया और फिर बड़े बेटे की शादी भी कर दी। बड़ी बहू तो आते ही बेटे को लेकर अलग हो गई। प्रतिमा बहुत टूट चुकी थी। पहले पति और बेटा धीरे धीरे सब दूर होते जा रहे थे। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं था। उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे वह बीमारियों का शिकार होने लगी। समय के साथ उसका शरीर जर्जर होने लगा था। उसको अब बीपी और डायबिटीज की बीमारी भी हो चुकी थी। ऐसे ही चलता रहा। कुछ महीने बाद छोटे बेटे ने बताया कि मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। प्रतिमा ने सोचा कि यह काम भी करके मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति हो जाऊंगी, अकेले जैसे जैसे अपनी जिंदगी जी लूंगी। शादी भी बड़ी धूमधाम से बिना अमन के आए बीत गई। प्रतिमा को लग रहा था कि यह भी बहू मेरे बेटे सोम को लेकर चली जाएगी, और पर ऐसा नहीं हुआ। निया बहुत ही समझदार निकली। वह प्रतिमा का बहुत ही ध्यान रखती थी। उसको समय पर दवा देना, उसके साथ बैठना, बातें करना, अपने साथ साथ बाहर ले जाना आदि सब बातों का वह पूरा ध्यान रखती थी। उसको एहसास था कि सोम के पिता ने माँ के साथ बहुत ही गलत किया, इसलिए माँ टूट सी गई है और बीमार रहने लगी है। निया के ध्यान रखने से प्रतिमा अब स्वस्थ होकर खुश रहने लगी। मानो जैसे उसको बहू के रूप में एक बेटी मिल गई हो। दोनों बहुत ही घुल मिल कर रहती थी। धीरे धीरे प्रतिमा जैसे अपने सारे गम को भुला दी। 1 साल बाद निया माँ बन गई। अब बच्चे के आने पर प्रतिमा का समय कहाँ चला जाता था पता ही नहीं चलता था। वह बहुत ही खुश रहने लगी। उसको लगा कि मेरी जीवन में निया जैसी बेटी ना आती तो मेरा क्या होता। निया ने भी प्रतिमा का अपनी माँ से बढ़कर ध्यान रखा। तो दोस्तों, ये थी आज की बस छोटी सी कहानी, माँ और बेटी की कहानी, जो कि बहू एक बेटी बनकर अपनी सास का किस तरह ख्याल रखती है, माँ से बढ़कर ख्याल रखती है, उसका जीवन कैसा होता है, इसके बारे में बहुत ही अच्छी सी भावपूर्ण कहानी थी। बड़ा अच्छा लगा हमें तो। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। जो न्यू आते हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। हर हर महादेव।